नरमा केस की समाप्त के दौरान पेश किए गए सबूत नाकाफी हैं। इन शवाहिद की बुनियाद पर वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। इमरान खान, सिराजुल हक और शेख रशीद की पटिशंस में लगाए गए इल्जामात की मजीद तहकीकात के लिए जरूरी है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए जो 60 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले में 2 जजेस जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार के इख्तलाफी नोट्स, वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन के आर्टिकल 62F के तहत अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन असेंबली रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इख्तलाफी नोट में ऑब्जर्वेशन। वजीर आजम के साहबजादे अदालत को मुतमईन करने और चेयरमैन नैब जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। मरियम नवाज वजीर आजम की जेरे कफालत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पनामा केस की तहकीकात के लिए 7 रोज में JIT बनाने का हुक्म। FIA, ISI, MI, SECP, स्टेट बैंक और नैब के नुमाइंदे शामिल होंगे जो वजीर आजम और लंदन फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त में गठजोड़ का पता चलाएंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट आईन के तहत हासिल इख्तियारात के तहत वजीर आजम की नाअहली का रेफरेंस भेज सकती है। फैसले के अहम नुका। बेशुमार दौलत के अंबार के पीछे एक जुर्म होता है। पनामा के इस फैसले का मशहूर नॉवेल द गॉडफादर के जुमले से आगाज। सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। इलामा इकबाल के शेर का हवाला। हाकिम वक्त का चुनाव करते वक्त फलसफी को अहमियत दी जाए क्योंकि उसका विजन होता है, जबकि बनिया सिर्फ दौलत बनाने का सोचता है। अजीम फलसफी अफलातून की किताब रिपब्लिक का भी रेफरेंस। वजीर आजम का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को गले लगाया। मरियम नवाज की ट्विटर पर मुबारकबाद। कहा, उंगली के जरिए नवाज शरीफ की विकेट लेने में नाकामी के बाद इमरान को एक और फोरम से भी शिकस्त हुई। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे। पनामा केस के फरीक इमरान खान ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा कि अदालत ने फ्लैट्स और कतरी खत का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ के होते हुए तहकीकात शफाफ कैसे हो सकती है? JIT के बाद हुदैबिया का फ्रॉड भी सामने आएगा। वजीर आजम की मजीद तलाशी होगी। पीपल्स पार्टी ने पनामा केस फैसले को मुस्तरद कर दिया। फैसले से जमहूरियत और इंसाफ को नुकसान पहुंचा। इमरान के ड्रामे का फायदा वजीर आजम को हुआ। आज दुनिया को पता चल गया कि नवाज शरीफ शरीफ नहीं। एतजाज अहसन कहते हैं, 2 जजेस की राय सुप्रीम कोर्ट की राय समझी जा सकती है। नवाज शरीफ वजीर आजम रहने के अहल हैं। इमरान खान ने बहतान लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम झूठे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क को लूट कर खा गई। जरदारी साहब का पेट ही नहीं भरता। लीगी रहनुमाओं का जवाबी वार। बेहतर होता तमाम जजेस वजीर आजम को नाअहल करार देते। नवाज शरीफ वजीर आजम रहने का हक खो चुके। सिराजुल हक का रद्दअमल। परवेज मुशर्रफ कहते हैं, बाकी 3 जजेस को भी यकीन नहीं नवाज शरीफ सादिक और अमीन हैं। वजीर आजम मुस्तफी हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी समझते हैं। तमाम फरीकैन फैसले का एहतराम करें। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात कहते हैं, नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं मिली, वो वजारत उज़्मा छोड़ दें।
पैनामा का फैसला आते ही मतवाले खुश। लाहौर समेत दीगर शहरों में मिठाइयां तकसीम, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मिठाइयां बांटते रहे। पैनामा लीक्स का फैसला सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। अहम सियासी शख्सियात समेत सियासी हलकों का फैसले के हक और मुखालिफत में ट्वीट। पैनामा का फैसला आते ही सरमायाकारों की तशवीश भी खत्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा, 48,700 की सतह पर बंद। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म मशाल के कत्ल के खिलाफ जामिया कराची में एहतजाजी रैली, असातिजा और तलबा की शिरकत। पिशावर के बाचा खान मरकज में ताजियती रेफरेंस। PS81 सांगढ़ के जिमनी इंतखाब में फंक्शनल लीग के जाम नफीस को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम मदद अली दूसरे नंबर पर। ये सितम ज़रीफ़ी भी है और इत्तफाक भी कि पनामा मुकदमा भी ऐसे ही हालात के गिर्द घूमता है। तो ये वो ड्रामाई अल्फाज थे जिनसे आज दोपहर जारी होने वाले पैनामा फैसले का आगाज होता है। बिल्कुल अलियावे, दो माह के इंतजार के बाद आज पैनामा केस का फैसला सुना दिया गया और इस फैसले में वज़ीर-ए-आज़म को उनके ओहदे से हटाया तो नहीं गया, लेकिन उनके खानदान के बैरूने मुल्क असासों की मजीद तहकीकात के लिए फौजी और सिविल तहकीकाती इदारों की मुश्तरिका टीम बनाने का हुक्म जरूर दिया गया। बिल्कुल आसमा, ये मुश्तरिका टीम या JIT 7 दिन के अंदर अंदर तश्कील दे दी जाएगी और 2 माह में अपना काम मुकम्मल करेगी। 549 सफात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई सवालात भी हैं और मुकदमे के कई पहलुओं पर अदालत की राय भी। आइए पैनामा केस के तारीख सास कहलाए जाने वाले इस फैसले पर एक तफसीली नजर डालते हैं। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के अक्सरियती राय की बुनियाद पर सुनाए जाने वाले फैसले में मजीद तहकीकात के लिए यह मुकदमा फौजी और सिविल इदारों की मुश्तरका तहकीकाती टीम को सुपुर्द कर दिया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक पैनामा स्कैंडल से मुतालिक तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम 7 रोज में कायम होगी और ये टीम FIA के एडिशनल DG की सरबराही में बनेगी। इसमें नैब, स्टेट बैंक, SECP, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के हुक्काम शामिल होंगे। वजीर आजम और उनके दोनों बेटे इस कमेटी के सामने पेश होंगे। ये टीम 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगी जबकि हर 2 हफ्तों बाद कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएगी। ये टीम जिन मामलों की तहकीकात करेगी उनमें शरीफ खानदान की दुबई और जद्दा वाली स्टील मिल्स के लिए वसाइल की मुंतकली, कतर में सरमायाकारी और लंदन फ्लैट्स हासिल करने का जरिया शामिल है। साथ ही साथ ऑफशोर कंपनीज की मिल्कियत और कतरी खत की हकीकत जानने का टास्क भी इसी कमेटी को दिया गया है। अदालती हुक्म के तहत मौजूदा 5 रुकनी बेंच तहलील कर दिया गया है जबकि मुश्तरिका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट देखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अलग बेंच बनाएंगे। इल्जाम साबित हुआ तो अदालती बेंच वजीर आजम की नाअहली का रेफरेंस भेजने का हुक्म भी दे सकता है। इसके अलावा मजीद आपको ये बताएं कि 5 रुकनी बेंच के 2 जजेस जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आजम की बराह रास्त नाअहली की राय दी, लेकिन दीगर 3 जजेस जिसमें जस्टिस इजाज अफजल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अजमत सईद शामिल हैं, तहकीकाती कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत अगले 7 दिनों में बनने वाली मुश्तरिका तहकीकाती टीम FIA, ISI, MI, स्टेट बैंक, SECP और नैब के अहलकारों पर मुश्तमिल होगी और 2 माह में उन तमाम सवालात के जवाब ढूंढेगी जो अदालत ने अपने फैसले में दर्ज किए हैं। और ये सवालात क्या हैं, तफसीलन जानिए इस रिपोर्ट में। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी चंद बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढना होंगे जिनकी बुनियाद पर अगर जरूरत पड़ी तो रेफरेंस भी दायर किए जा सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की बाकायदा तहकीकात भी शुरू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पूछा कि गल्फ स्टील कैसे कायम की गई, गल्फ स्टील को किस तरह और किन हालात में फरोख किया गया, गल्फ स्टील पर वाजिबुल अदा कर्जों का क्या हुआ, गल्फ स्टील की खरीदो फरोख का अंजाम क्या हुआ, पैसा जद्दा से कतर और बरतानिया कैसे पहुंचा, क्या हसन और हुसैन नवाज 90 की दहाई के अवाइल में इस काबिल थे कि फ्लैट की खरीदो फरोख्त कर सकें, क्या अचानक मंजर आम पर आने वाला कतरी खत एक हकीकत है, किस तरह कतरी से फ्लैट्स की डील हुई, मेसर्स नीलसन इंटरप्राइजेस का असल बेनिफिशियल ओनर कौन है, किस तरह हिल मेपल और नेस्कोल का कयाम अमल में आया, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के लिए सरमाया कहाँ से आया।
वो रकम कहां से आई जो हसन नवाज ने नवाज शरीफ को तोहफे में दी और जो इस सारे मामले का मजमुआ है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जहां एक तरफ नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को तकरीबन क्लीन चिट मिल गई है। पैनामा मुकदमे का दायरा वजीर आजम की बेटी मरियम सफदर की ऑफशोर जायदादों की ट्रस्टी और वजीर आजम के जेर किफालत होने या न होने के मामले के गिर्द भी घूमता रहा। अदालती फैसले के पैरा नंबर 126 में जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि मरियम सफदर की हिमायत में पेश करदा शवाहिद उनकी खुद मुख्तार हैसियत को साबित करते हैं। मरियम सफदर एक मुश्तरका खानदान में रहती हैं और इनके टैक्स रिटर्न से वाजे है कि वो अपने वसाइल की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने की अहल हैं। जस्टिस खोसा ने कहा कि मरियम वालिद की जेरे कफालत नहीं और इन्हें वालिद या भाइयों से तोहफा लेने की बुनियाद पर जेरे कफालत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तीन जजेस के अक्सरियती फैसले में भी मरियम सफदर को मुश्तरका टीम की तहकीकात में शामिल करने का नहीं कहा गया। पैनामा फैसले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि फाजिल जजेस ने अफलातून, अल्लामा इकबाल और अमरीकी मुसन्निफ मारियो पोजो के हवाले भी इस्तेमाल किए। यह हवाला जात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पैनामा केस का तफसीली फैसला 549 सफहात पर मुश्तमिल है, जिसके सफा नंबर 143 पर अजीम फलसफी अफलातून की शोहरे आफाक किताब रिपब्लिक का हवाला दिया गया है। अफलातून लिखते हैं कि वो हाकिम वक्त का चुनाव करते वक्त एक बनिए के बजाय फलसफी को अहमियत देंगे, क्योंकि फलसफी के पास मुस्तकबिल के लिए एक विजन होगा। ताहम बनिए के लिए मुमकिन नहीं कि वो इक्तदार के दौरान अपने कारोबार के बारे में ना सोचे। अल्लामा इकबाल के मशहूर शेर को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। सूरत शमशीर है दस्ते कजा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब। इसी तारीखी फैसले के आगाज में अमरीकी मुसन्निफ मारियो पोजो के शोहरा आफाक नॉवल द गॉड फादर का तारीखी जुमला लिखा गया है और वो जुमला ये था कि हर बेपनाह दौलत के पीछे एक जुर्म पोशीदा होता है। नाज़रीन, पिछले साल अक्टूबर में शुरू होने वाले पैनामा केस का फैसला सुनने के बाद जब मुस्लिम लीग की रहनुमा अदालत से बाहर आए तो उनका अंदाज फातिहाना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा फैसले के फौरन बाद वजीर आजम हाउस से जारी होने वाली तस्वीर और फैसले पर अपने फौरी रद्द अमल में हुक्मरान जमात के सियासतदानों ने दिया। जहाँ अपने सरबरा को सुरखरू करार दिया गया, वहीं अपोजिशन पर भी खूब तंज किया गया। सबसे पहले मैं अल्लाह के हुजूर सजदा करता हूँ, माशाल्लाह के अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज जो कानून का जनाजा निकालने की बात करते थे, आज लाल हवेली का अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट में जनाजा निकाल दिया है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको आपने अपना वोट देकर पाकिस्तान का तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम बनाया, वो आज फिर एक दफा फिर सुर्खरू हुए। आज सच का बोलबाला हुआ है, झूठ का मुंह काला हुआ है। एक केस झूठ की बुनियाद पर था, सबूत की बुनियाद पर नहीं। मुल्क की अक्सरियत भी नवाज शरीफ के साथ है और आज आईनी कानूनी अदालत की अक्सरियत ने भी साबित किया है कि वो सादक भी है, अमीन भी है। इंशाल्लाह ताला वो अब भी वजीर आजम रह गया और 2018 के बाद भी इंशाल्लाह ताला वही इस मुल्क का वजीर आजम। उधर पैनामा केस के अहम फरीक सिराजुल हक भी अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत की साख खत्म हो गई है। शेख रशीद कहते हैं कि अब तो वजीर आजम को भी उजैर बलोच की तरह जेआईटी के सामने पेश होना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अदालती फैसला करप्शन की हार है। करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता है। हमारी ये सारी लड़ाई ये तासुब की नहीं है, ये इंसाफ के लिए है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने वजीर आजम नवाज शरीफ और उजैर बलोच को एक बराबर करार दे दिया। ये फैसला विन विन सिचुएशन है और नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस बात पे मिठाई बांट रहे हैं। दो जिन चीफ जस्टिसों ने वेटिंग लिस्ट पे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा ये डिस्क्वालीफाई है। दो तीन जूनियर जजेस ने कहा कि जनाब इनको एक सात दिन का मौका और दो। सो इतना ही डिफरेंस है। दो जो मुस्तकबिल के जजेस हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा ये डिस्क्वालीफाई है। मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ अब उजैर बलोच की तरह जेआईटी में पेश होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुताबिक जजेस ने वजीर आजम को झूठा करार दिया है। वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। सो तीन जजेस ने कहा है कि 60 दिन का इंतजार करें और इन्वेस्टिगेशन करें। दो ने कहा है कि नहीं काफी है और वजीर आजम को घर भेज दिया जाना चाहिए, उन्होंने कौम से झूठ बोला है। फवाद चौधरी ने भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। नाज़रीन सिराज अलहक और शेख रशीद के ख्याल तो आपने जान लिए, अब इसी केस के एक और अहम फरीक इमरान खान का जिक्र कर लेते हैं। कप्तान ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ के पास अब वजीर आजम रहने का कोई जवाब नहीं रहा। फैसला तो इमरान खान की तवक्कात के मुताबिक ना आया, ताहम वो अब भी मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम मुस्तफी हो जाएं। हम आज डिमांड करते हैं और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। मैं आज डिमांड करता हूँ कि आज फौरी तौर पे आप रिजाइन करें। अगर 60 दिन में आप क्लियर हो जाते हैं तो आप वापस आ जाएं। आपने यही यूसुफ रजा गिलानी को कहा था कि आप अपने आप को क्लियर करके फिर वापस आएं। इस्लामाबाद में अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये भी कहना था कि आज तारीख बनी है और ऐसा फैसला किसी वजीर आजम के खिलाफ नहीं आया, जबकि दो जजों ने करार दिया है कि वजीर आजम ने झूठ बोला है। स्पेशली दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा कि आपने झूठ बोला है, अपना सादिक है और अमीन है, किस तरह आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, रह सकते हैं? कौन सी दुनिया के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के इल्जाम हो, दुनिया में कौन सा प्राइम मिनिस्टर रह सकता है? इमरान खान वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, ताहम वो JIT के क्याम के हुक्म से भी मुतमईन नहीं। उनका ये भी कहना था कि वजीर आजम से JIT की तहकीकात ऐसे ही हैं जैसे उजैर बलोच से तफ्तीश की गई थी। उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी, ये JIT जो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी उनके और उनकी फैमिली को, ये इसी तरह है जिस तरह उजैर बलोच के ऊपर JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इन्वेस्टिगेट करेगी और सवालात पूछेंगे और उनकी फैमिली को, तो क्या इनके पास इखलाकी जवाब है आज प्राइम मिनिस्टर रहने का? उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून मिठाइयां किस चीज की बांट रही है, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने उन्हें नाहल करार दिया है और तीन जजों ने उनके खिलाफ तहकीकात करने को कहा है। वजीर आजम से इस्तीफा देने के मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं, कोई इखलाकियात का हवाला दे रहा है तो कोई करप्शन का इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल, कुछ इसी तरह से साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने न सिर्फ नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया बल्कि अदालती फैसले को जमहूरियत और इंसाफ के लिए नुकसान पहुँचाने वाला भी करार दिया। आसिफ जरदारी का कहना था कि इमरान खान के ड्रामे का सबसे ज्यादा फायदा वजीर आजम को ही पहुँचा। शर्म आनी चाहिए, किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि दो सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाइल हैं, उनने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, इस बात की मिठाई खा रहे हैं आप। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौम से मजाक करार दिया। जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जस्टिस को नुकसान हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम को धोखा दिया गया है, अवाम को बेवकूफ बनाया गया है और अवाम के साथ एक बहुत सख्त मजाक किया जाए। साबिक सदर का कहना था कि अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में महफूज नहीं तो इमरान खान के हाथ में भी महफूज नहीं है। पहले भी कभी हमने मुबारकबाद का प्रोग्राम उनको नहीं पहुंचाया था। हम समझ रहे थे कि अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में सेफ नहीं है तो इमरान खान के हाथ में भी सेफ नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा है। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान से कहा था कि हमारे साथ आओ, कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और नाज़रीन सिर्फ इमरान खान या आसिफ अली जरदारी ही नहीं, शुजात हुसैन ने भी नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इस बारे में आपको डिटेल्स देंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अली अहमद कुर्द का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर अपनी साख बचाई है। पनामा फैसले पर आज न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून और साबिक जस्टिस चाइक उस्मानी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में वजीर आजम पर आर्टिकल 62 के इतलाक का इंदिया दिया है। साबित हो गई कि 62 का इतलाक 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि हो सकता है, तो सिर्फ ये रह गया है कि वो सबूत उतने उनके पास पहुंच गए जिसके बिना पे ये हो सकता है कि नहीं, ये एक चीज रह गई।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अली अहमद कुर्द के मुताबिक ऐसा फैसला देकर अदालत की साख बचाई गई है। सीनियर जज साहबान का व्यू एक है और बाकी तीन जज साहबान जो इनसे जूनियर्स थे उनका व्यू एक है। और दूसरी भी ऐसी बात है, पाकिस्तान में हमेशा यूनानिमस सारे जज एक आमना साधकना होकर जो है राय देने के आदि थे। इस दफ़ा थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल मेरा राइट है, मैं बोल सकता हूँ और मुझे बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो डिसेंटिंग वोट देकर किसी हद तक अपनी साख बचाने की कोशिश की है। माहिर कानून फरोग नसीम के नज़दीक ये फैसला हतमी नहीं बल्कि इम्तिनाई है। पहली बात तो ये कि वही केस अभी अलाइव है, वो केस उसका फाइनल फैसला नहीं आया, तो यानी वही केस का कंटिन्यूएशन है और वही केस अभी फाइनल फैसला होगा जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और जब दोनों फरीकैन दलाइल देंगे उसके बाद फाइनल फैसला आए। माहिरीन का कहना है कि मामला अब JIT के हाथ में है, तहम JIT कोई भी रिपोर्ट तैयार कर ले उसको बआसानी चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं मिली, उन्हें चाहिए कि वजारत उज़्मा छोड़ दें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन इदारों पर सुप्रीम कोर्ट अदम एतमाद का इजहार करती रही उन्हीं पर मुश्तमिल टीम से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि और देर की जाए उसके ऊपर और बातें हों, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द मुस्तफ़ी हो जाए। देखिए तारीख से पहले तो ये इसका अगर कल कोई आदमी उठ के अदालत में चला जाता है और कहता है जी कि सादर का उम्मीद नहीं, तो उसको सबूत साबित करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे साबित करने के लिए दो जजेस की स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी है। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने पैनामा केस के फैसले को तारीखी करार दे दिया। वो कहते हैं कि मुल्क से करप्शन का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, कर्जे लेने मुआफ कराने और मुआफ करने वाले सब करप्ट हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क से करप्शन का मुकम्मल खात्मा हो और ये पानामा का इंकशाफ कोई मामूली इंकशाफ नहीं है, ये गैर मामूली इंकशाफ। जब ये JIT बनाने का सिलसिला चल पड़ा है तो हमें ये एक मौका मिला है, ये एक उम्मीद की हमारे लिए एक किरण है और हमारा ये मुतालबा बिल्कुल बजा है कि अब ये 6,500 अरब रुपए की करप्शन के लिए भी JIT बननी चाहिए। सबने लूटा है भाई, किसने नहीं लूटा है? जिसने लूटा है उसका नाम यहाँ है, उनके नाम मौजूद, जिस हुकूमत के कारिंदे अफसरान वजीर सबके नाम मौजूद हैं और कितने रुपयों की करप्शन है वो भी मौजूद है। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कबल दोनों जमातों के कारकुन इस फैसले के मुंतजर थे और फैसला आने पर दोनों जमातों के कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की, गो नवाज गो और रो इमरान रो के नारे भी लगते रहे। पनामा केस के फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर मेले का समा था। फैसला आने पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों ने अपनी अपनी फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया, खूब नारेबाजी हुई और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। रावलपिंडी में आपारा चौक पर और लाहौर में लीगी कारकुनों ने जश्न मनाया। गुजरावाला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, मुल्तान और साहिवाल में भी जश्न का समा रहा। कोटा में वजीर आला बलोचिस्तान की क्यादत में रैली निकाली गई। सनाउल्लाह जहरी ने रैली से खिताब किया। तमाम बलोचिस्तान के जिलों में जो है यौम तशक्कुर मनाएंगे, जो हक की फतह हुई है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने अदालती फैसला बड़ी स्क्रीन पर देखा। तो ठीक है, ये 2 महीने का टाइम और ले लें, लेकिन मैं समझती हूँ कि कमीशन के तहत नाअहल होंगे तो अब बहुत बुरी तरह करेंगे। 2 माह में भी वही रिजल्ट आएगा जो 2 जजेस ने दिया है, तो लिहाजा 2 माह बाद भी ये नाअहल ही होंगे। ताहम कुछ कारकुन कुछ मायूस भी नजर आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज सारा दिन पैनामा फैसले की गूंज रही। फैसले के ऐलान के बाद मार्केट ने जबरदस्त रद्दअमल जाहिर किया। 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स बढ़ गया। सरमायाकार कहते हैं कि सूरत हाल अभी भी इत्मीनान बख्श नहीं है। सफदर अब्बास मजीद बताएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान देखा गया। जूं जूं पानामा फैसले की घड़ी करीब आती गई
मार्केट पॉजिटिव होती गई। फैसले के बाद मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 49,500 की सतह पर पहुंच गया। जैसे ही 2 बजे ये खबरें आने लगी कि पॉलिटिकल क्राइसिस को अवर्ट कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब को बैठने दिया है, तो हमारी मार्केट के अपर लॉक्स लगने लगे। जैसे कि आपको पता है कि 5% अगर मार्केट ऊपर चली जाती है या नीचे जाती है तो लॉक्स लग जाते हैं ताकि उनकी क्लियरिंग हो जाए। तो जैसे ही अपर लॉक्स लगे तो मार्केट में 1800-1900 पॉइंट की अपसर्ज हुई और मार्केट ने बहुत अच्छा इसका रिएक्शन लिया। और आज का जो 40 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ है, ये तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद हुआ है जब से ये फैसला महफूज हुआ था। बास सरमायाकार मौजूदा सूरतेहाल से मुतमईन नहीं। इनका कहना है कि अभी 2 माह में तहकीकाती टीम मजीद तफ्तीश करेगी, तब सूरतेहाल वाज़े होगी। कि फैसला किसी के हाथ में भी आए, मार्केट जो स्टिल हुई हुई थी, रुकी हुई थी, सरमायाकार बहुत परेशान थे जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा था। अब फैसला एक आ गया है, GIT बन गई है, अब 2-3 दिन में उसका जो है रिएक्शन नज़र आएगा आपको। लेकिन ये है कि इससे बेहतर ये वो फ़ायदा है कि तो कम से कम एक चीज़ आ गई है सामने। गैर यकीनी सियासी सूरतेहाल खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट में 2 माह बाद 40 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, लेकिन पनामा केस अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा महसूस होता है कि सरमायाकार ताहाल तजब्जुब का शिकार हैं। कैपिटल मार्केट पर छाई तकरीबन 3 माह से गैर यकीनी सियासी सूरतेहाल खत्म हो गई, ताहम सरमायाकार कहते हैं अभी भी सूरतेहाल इत्मीनान बख्श नहीं। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। न्यूज शो में भी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मशाल खान से इजहार अकीदत के लिए रैलियां। और दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा।